जयपुर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर बीजेपी कांग्रेस में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस पार्षदों का निगम मुख्यालय के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ देखने को मिला है। मेयर सौम्या गुर्जर ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और टीवी 9 भारतवर्ष ने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई थी। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने पुनर्वास का भरोसा दिया था। प्रताप सिंह खाचरियावास ने पुनर्वास का भरोसा दिया, लेकिन यह हुआ नहीं, तो सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये हैं वो तस्वीरें। कोरोना के समय पॉलिटिक्स चल रही है, हालांकि ये भी सही बात है कि पॉलिटिक्स कंसर्न्स पर ही होती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर ही होती है, लेकिन यहाँ आप देखिए पुनर्वास को लेकर दिए हुए आश्वासन को अमल में न लाने के विरोध में ये यज्ञ हो रहा है। हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी सबसे पहले वही आपके सामने ये खबर लेकर आए थे, उनका रुख एक बार फिर से करते हैं। क्या कह रही है वहाँ सत्तारूढ़ लोग, क्या कह रहे हैं कि इसको लेकर अब क्या किया जाएगा? आश्वासन के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, क्यों? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब तक लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, ना तो कोई जिम्मेदारों पे कार्रवाई, साथ ही साथ ना इनका कोई पुनर्वास किया गया है। वही बेबस लोग सड़क पर अब तक बैठे हैं, ना उनके पास खाने के लिए खाना है, ना तन रखने के लिए कपड़े हैं। जिस कपड़े में वो घर से निकले थे वो कपड़े ही उनके पास है। सवाल यहाँ पे सिस्टम अशोक गहलोत सरकार पे खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं अब तक जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई की गई है? वहीं बीजेपी और कांग्रेस की सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो चेयरमैन है उन्होंने अपनी समिति के अंदर ये निर्णय लिया था कि ये जो इसमें एंक्रोचमेंट हो रहा है इसको हटाया जाए, लेकिन बीजेपी की मेयर सौम्या गुर्जर ये कह रही है कि हमने निर्णय लिया था हमारे चेयरमैन ने, लेकिन ये नहीं कहा था इस वक्त इस पेंडेमिक के दौर में, इस वक्त जब कोरोना काल चल रहा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उस समय ये निर्णय लिया जाए। कह सकते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में, सियासत के बीच में मझधार में फंस गए ये बेघर लोग, जिन्हें अब कोरोना काल में घरों में होना चाहिए था, क्योंकि वहां पर लोगों ने ये तक कहा था कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि घर में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस की पालना करनी चाहिए, ऐसे समय के अंदर उनको बेघर करना वाकई कहीं सवाल सिस्टम पर सरकार पे खड़े हो रहे। साथ ही आपको बता दूं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर धारा 144 लग रही है, तो कहीं ना कहीं धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। सरकार ने खुद के बनाए नियमों का माखोल उड़ाया है। वाकई अशोक गहलोत सरकार को तुरंत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो वहां पर गए थे। 100 से ज्यादा पुलिस वाले गए थे, इतनी बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंस का मजाक उड़ा और किस तरह से कार्रवाई की गई वाकई शर्मनाक है। किस तरह से डंडे मारे गए, किस तरह से उनको पीटा गया वाकई कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हमारे देश भर ने तस्वीरें देखे किस तरह के हालात थे, किस तरह से पीटा गया उनको, तो वाकई कहीं ना कहीं। आप रुके कुछ देर के लिए, एक और खबर है जिस पर आपसे अपडेट लेना है। अर्जुन राम मेघवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष का एक वीडियो ट्वीट किया है, 100 परिवारों का घर उजाड़ना अत्यंत शर्मनाक है। मेघवाल ने कहा है कांग्रेस के कुशासन काल की ये पराकाष्ठा है। अर्जुन मेघवाल ने कहा गरीब रो रहे हैं, गहलोत सरकार सो रही है। अर्जुन मेघवाल ने कहा है, जो हवाला आप दे रहे थे कि सियासत तेज है, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रही है। जितेश बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष की खबर को शेयर करते हुए ये सब बातें लिखी है, लेकिन हम सियासत हम चाहेंगे कि ये किसी भी तरह से इस जिम्मेदारों पे कार्रवाई हो, साथ ही पुनर्वास हो उन गरीबों को, बेघर लोगों को जिनको घर नहीं है, जिनके पास, जो सड़क पर मजबूर हैं इस कोरोना काल के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर, जहां एक दूसरे की लोग मदद को हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष भी लगातार लोगों की सहायता कर रही है और हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स बिठा के लोगों की मदद कर रहे हैं, रेमडेसिविर पहुंचा रहे हैं, और ऐसी पैंडेमिक के दौर में अगर लोग बेघर लोगों को, उन लोगों को सड़क पर बैठाना वाकई सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे पैंडेमिक के दौर के अंदर ये जो तस्वीरें हैं वाकई भयावह हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, जरा ये सुन लें क्या कहा जा रहा है। यहां सुनिए मेयर ने क्या कहा। स्थिति में की गई, जिस समय में की गई वो बिल्कुल गलत है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से नगर निगम पूरी तैयारी के साथ में, सारे पार्षद, सारे चेयरमैन, सभी 150 के 150 लोग पूरी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए। जीवन को बचाने की यह मुहिम चल रही है हमारी, और हमने उसमें क्षेत्र की लेकर साफ सफाई से लेकर, साफ सफाई कैसे अच्छी रहे क्योंकि लोग घरों में हैं, लॉकडाउन आप सब जानते हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं, आसपास में स्थिति कहीं खराब नहीं हो, किसी भी तरह से कोई भी उनको परेशानी नहीं हो। निगम इस स्तर पर
समय समय पर जो है कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, और उसके अंदर आप ये देखिए कि हम मास्क बांट रहे हैं लोगों को, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम उनको भोजन पैकेट्स हम उपलब्ध करवा रहे हैं, और हम पूरा निगम मानवीयतापूर्ण तरीके से ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम कार्य कर रहा है। और उस कार्य के दौरान में इस तरह की जो घटनाएं जो होने पे, जैसे कि आपको विनोद चौधरी जी ने बताया कि जो मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक हुई थी, इसको मीटिंग भी नहीं कहेंगे, समीक्षा बैठक हुई, विनोद जी ने अपने संबंधित जो भी इश्यूज डिस्कस होते हैं, आप ये भी जानते हैं कि जब भी कोई निगम से लेकर या कोई भी सेक्शन से लेकर कोई भी अगर मीटिंग होती है, संबंधित इश्यू डिस्कस होते हैं, और डिस्कस होने के बाद में यह तो रवैया प्रशासनिक जो भी कार्रवाई करने से पूर्व किसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी, वो सक्षम स्तर से क्या मंजूरी ली गई, क्या सक्षम स्तर को बताया गया था, ये तो अधिकारियों को निश्चित करना होगा। इस तरह से जो कार्रवाई है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये कोरोना के लॉकडाउन में हम लोगों को बचा रहे हैं, उनको उनको जो है इस तरह उनके उनको उजाड़ देना, जहाँ कोई भी सेवा के लिए बाहर नहीं आ रहा है उनको इस तरह सड़क पर उजाड़ कर इस तरह की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती हूँ कि इस तरह जो है सरकार जो है इस तरह का रवैया अपने जो अधिकारियों को इस तरह के बिठाकर उनसे इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है, ये बेहद निंदनीय है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग जो जिनके आशियानों को उजाड़ा है उनको उनको सरकार है उनको आश्रय दे, और उनको सरकार के लिए एक प्रॉपर कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, इस तरह अपने अधिकारियों के साथ में मिलकर असंवेदनहीनता का जो बात है परिचायक है वो नहीं देना चाहिए। और विनोद चौधरी जी को बार बार उनका नाम लेकर घसीटा जा रहा है, तो विनोद चौधरी जी ने आपको सारी स्थिति स्पष्ट करवा दी है, क्योंकि ये प्रशासनिक निर्णय है कि कब कार्रवाई कैसे की जा सके। हमारा साल भर का प्लान बनता है, साल भर का प्लान बनता तो ये हमें पता होना चाहिए कि बारिश के मौसम में हम बचाव कैसे करेंगे, वो हम बारिश के मौसम से थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि बारिश जाने के बाद भी हम बारिश पर चर्चा करेंगे, या फिर हमने 5 महीने पहले हमने जिस प्रस्ताव के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसको आप उसको करें। एक हर चीज़ का समय होता है, परिस्थितियाँ बहुत भयावह है, कोरोना से सब पीड़ित है, और पीड़ित होने के नाते हमें मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।